तो आज हम आ गए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन क्लास 11th। ठीक है, तो चलिए करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन इज, सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है मेन, सॉरी मैंने ये थोड़े से मार्क कर लिए, सॉरी, उसके बाद में मुझे याद आया कि मुझे वीडियो भी बनानी थी, राइट। तो चलो अभी कर लेते हैं, आगे के मार्क नहीं है, बस 5th तक ही मार्क है, ओके। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन इज टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स गिवन टू द कॉलम ऑफ टेबल आर कॉल्ड कैप्शंस एंड टू द रोज वाइल टू द रोज आर कॉल्ड स्टब्स। ओके, नाउ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंटेड अलोंग विद फ्रीक्वेंसीज इन द टेबुलर फॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल टेबल। या बिकॉज इसमें टू वे टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, थ्री वे टेबल की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसका एक ही सब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट जनरल पर्पज टेबल आर ऑल्सो कॉल्ड, जनरल पर्पज टेबल को हम रिपोजिटरी टेबल बोलते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव टेबल क्या होती है, डेरिवेटिव टेबल वो टेबल होती है जो बेसिकली हमारे प्राइमरी डेटा में से हमने उसको उसमें से डेटा लेके फिर बनाई गई है, ठीक है। मतलब बेसिकली जो डेटा है, ठीक है, वो ओरिजिनल फॉर्म वाला डेटा में से उसमें से हमने डेटा लिया और फिर वो टेबल बनाई गई है, ठीक है। ओरिजिनल टेबल क्या होती है, जो कि प्राइमरी सोर्सेज से कलेक्ट होती है ना इन्फॉर्मेशन, वो हमारी ओरिजिनल टेबल्स हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में थ्री वे टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड, थ्री वे टेबल को हम क्या बोलते हैं, ट्रेबल टेबल बोलते हैं आई गेस, ठीक है। उसके अलावा तो कुछ नहीं बोलते, मैनीफोल्ड टेबल होती है जिसमें तीन से ज़्यादा होते हैं, जनरल पर्पज टेबल होती है जिसमें हम लोग जर्नल की बातें करते हैं, मतलब जर्नल पर्पस में क्या क्या है उसकी बातें करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास में थ्री वे टेबल इज ऑल्सो नोन एज ट्रेबल टेबल बोल सकते हो, बट नॉट एनीथिंग आउट ऑफ दीज थ्री ऑप्शंस। ओके, तो द आंसर विल बी नन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी द टेबल्स आर क्लासिफाइड एज, अब देखो ओरिजिनलिटी के बेसिस पे टेबल को कैसे क्लासिफाई किया, ओरिजिनल टेबल और डेरिवेटिव टेबल। सो द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट इज हमारे पास द मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर कंपैरिजन एंड कंप्यूटेशन इज इन टेबल। ओके, बिकॉज इन टेबल वी कैन कंपेयर द थिंग्स इजीली। ओके, सो नेक्स्ट द हेडिंग्स एंड ऑफ द कॉलम्स of the given table are known as, just now we studied its captions, and the for rows it is steps. So now I will tell you the it's a trick for learning the caption and excerpt. So basically see, the columns start with C and the captions also start with C, and the next one is rows. Okay, so rows steps. Okay, after R S comes, so after rows stubs, column caption. Okay, column की heading को हम caption बोलते हैं, row की heading को हम लोग stub बोलते हैं, clear है ये चीज। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सत श्री अकाल एंड नमस्कार।